गुरुवार को चतरा में हुए छात्राओं के साथ छेड़छाड़ वाली वायरल वीडियो जो जेके न्यूज नेटवर्क आपके सामने लेकर आया था, अब उसका नतीजा भी हमें देखने को मिल चुका है। जहां ट्यूशन पढ़ने जा रही दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले आरोपी उत्तम यादव सहित पांचों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टाइगर ग्रुप नामक आपराधिक संगठन से ताल्लुकात रखने वाला उत्तम यादव सरेराह बीच सड़क पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व मारपीट कर रहा था। पुलिस ने उत्तम यादव के पास से एक कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। सदर थाना प्रभारी लव कुमार ने बताया कि घटना में शामिल उत्तम यादव, अमित कुमार यादव, गौतम कुमार सिंह, पिंटू यादव एवं रितेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। बताते चले कि गुरुवार की दोपहर शहर की सुरही मोहल्ला की रहने वाली दो छात्राएं ट्यूशन पढ़ने के लिए लिप्दा झुमड़ा मोहल्ला में कोचिंग सेंटर जा रही थी। इसी दौरान पांच मंचलों ने न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्राओं के साथ मारपीट भी की। छात्राओं ने पहले तो हिम्मत दिखाते हुए मंचलों के साथ हाथापाई की। इसके बाद थाना पहुंचकर उत्तम यादव, अमित कुमार यादव, गौतम कुमार सिंह, पिंटू यादव एवं रितेश यादव के विरुद्ध FIR दर्ज कराया। वहीं छात्राओं के साथ मारपीट की घटना ने शहर के लोगों को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। दो दिनों से छात्राओं के साथ मारपीट की वायरल वीडियो की चर्चा हो रही है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।